हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं मोबाइल स्किन्स के बारे में बताने वाला हूँ। शॉपी से मैंने मोबाइल स्किन ऑर्डर करा था, तो उसी का आज रिव्यू दूंगा और यूज़ करके भी दिखाऊंगा आपको। तो चलिए इसको पहले हम लोग अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्किन्स निकल के आता है जो कि मैंने ऑर्डर करा था, मोटो G40 के लिए, पोको C31 के लिए एंड मोटो G71 के लिए। तो यहाँ पे मैंने तीन स्किन ऑर्डर करा था, यहाँ पे तीनों स्किन मेरे पास पहुँच चुका है। उसके साथ ही देखते हैं और क्या मिलता है हमें। इसके साथ यहाँ पे रैप शॉपी का एक कार्ड टाइप से मिल जाता है, यहाँ पे सोशल साइट वगैरह दिया हुआ है और यहाँ पे कैसे यूज़ करना है सारा कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे पैकेट में आपको तीन वाइप्स देखने को मिलता है, क्योंकि तीन मैंने स्किन ऑर्डर करा था तो तीन वाइप्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारे देख सकते हैं, बस इतना ही कुछ था हमारे पैक कंटेंट में, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं मिलता है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे स्किन को लगाया जाता है। तो यहाँ पे दो टाइप का वाइप्स आपको मिलता है, एक ड्राई होता है, एक वेट होता है। तो सबसे पहले वेट वाला को लेना, उसके बाद आपके फ़ोन के बैक साइड में यहाँ पे वाइप से अच्छे से क्लीन करना है, पूरा वेट कर देना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे पूरी तरीके से इसको क्लीन कर लेना है। उसके बाद ड्राई वाला लेना है, उसके बाद ड्राई वाले से इसको अच्छे से क्लीन कर देना है ताकि कोई भी डस्ट ना हो, क्योंकि डस्ट वगैरह रहेगा और आप स्किन यूज़ करेंगे तो आपका बैक ख़राब हो सकता है फ़ोन का। तो इसलिए अच्छे से डस्ट को क्लीन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फ़ोन अभी क्लीन हो चुका है। अभी इसको हम लोग निकालते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ऊपर तरफ से निकाल लेना है, या फिर आप जैसा यूज़ करना चाहोगे वैसा कर सकते हो। तो मैं इसको पहले पूरी तरीके से निकाल लेता हूँ, उसके बाद ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे सेंटर पे जो होल है इसके साथ मैं मैच करूँगा, उसके बाद पूरा बॉडी पे ये पूरा फिट हो जाएगा। तो सबका अलग अलग तरीका होता है। इस वीडियो में मैंने थोड़ा जल्दी से बताया हुआ है, लेकिन मैं अलग एक वीडियो बना चुका हूँ मोटो G40 का जो स्किन था उसके ऊपर, उसमें मैंने अच्छे से यूज़ करा था स्किन को, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे लगाने के बाद कुछ इस तरीके से जो कार्डबोर्ड मिला था हमें उससे थोड़ा सा प्रेस करना है, उसके बाद साइड में एकदम अच्छे से प्रेस करके आपको पूरी तरीके से चिपका लेना है। और यहाँ पे कॉर्नर साइड में, क्योंकि ये कॉर्नर कट वाला है, तो इसको ज़रा ध्यान से आप लोग करना, क्योंकि ध्यान से नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत ख़राब दिखने में लगेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको प्रेस करते जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैमरा के सामने भी मैंने स्किन को यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको भी यूज़ करना है। देन यहाँ पे मैंने छोटे छोटे जो सर्कल्स होते थे जो कैमरा में फिट करने का था, उसको भी मैंने चिपका दिया है। तो पूरी तरीके से ये पूरी तरह से चिपक चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं साइड में उतना अच्छा से नहीं हुआ है। इसके लिए आपको एक चीज़ करना होगा, आपको थोड़ा हीट देना होगा। तो अगर आपके पास एक हेयर ड्रायर है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है तो आप लोग कैंडल से भी कर सकते हो या फिर गैस से भी। इसको थोड़ा थोड़ा फ्लेम देना है, उसको हीट करना है, उसके बाद अच्छे से प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारा कुछ हीट वगैरह दे दिया है। उसके बाद फाइनल जो लुक आता है कुछ इस तरीके से देखने में लगता है, जो कि काफ़ी बढ़िया दिखने में लग रहा है। और दोस्तों, ये जो स्किन है मोटो G71 के लिए मैंने ऑर्डर करा था, और ये वाला जो स्किन है पोको C31 के लिए मैंने ऑर्डर करा था, जो कि ये भी काफ़ी अच्छा देखने में भी लग रहा है और इसका क्वालिटी भी काफ़ी सही लग रहा है। और यहाँ पे पॉप सॉकेट जो है ये वाला, इसको भी मैंने रैप शॉपी से ही ऑर्डर किया है, इसका भी क्वालिटी काफ़ी सही लग रहा है। तो अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हो यहाँ पे आप लोग चिपका सकते हो, बट इसको मैंने कवर पे चिपका दिया ताकि मेरा फ़ोन का बैक ख़राब ना हो। तो कवर पे भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। इसको इस तरीके से कवर लगाओगे, उसके बाद आप लोग को कुछ इस तरीके से लुक देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, थोड़ा सा गला ख़राब है तो शायद वॉइस में आपको पता चल रहा होगा, तो थोड़ा माइंड मत करना, सब देख लेना। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोटो G40 के लिए मैंने ग्रूट वाला स्किन ऑर्डर करा था, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ग्रूट वाला। तो अगर आप लोग कोई भी स्किन खरीदना चाहते हो रैप शॉपी से, आपको तुरंत ही डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन यूज़ करोगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करना है, वेबसाइट पे सीधे पहुंच जाओगे और वेबसाइट में आपको बहुत सारे चीज़ देखने को मिलेंगे, बहुत सारे डिज़ाइन की स्किन्स वगैरह देखने को मिलेगा। तो सारा कुछ आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर जो स्क्रीन में आ रहा है ये वाला कूपन कोड आपको यूज़ करना है। इससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा मेरे तरफ से, क्योंकि मैंने यहाँ पे तीन ऑर्डर करा था इसलिए। तो ये जो स्किन है मैंने रैप शॉपी से ऑर्डर करा था, रैप कार्ड से भी मैंने स्किन ऑर्डर करके आपको रिव्यू दिया हूँ, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का, उसको भी आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों, इससे पहले मैंने एक हल्क वाला का स्किन भी यूज़ करा था पर्सनली, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हल्क वाला स्किन अगर आपको चाहिए मोटो G40 के लिए तो वो भी आप लोग यहीं से खरीद सकते हो, यहीं से मैंने उसको भी ख़रीदा हुआ था। और दोस्तों, आपके मन में अगर डाउट है कि ये स्किन यूज़ करने के बाद मेरा मोबाइल ख़राब हो जाएगा क्या, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसको यूज़ किया है, उसके बाद रिमूव करके मैं आपको रिव्यू दिया हूँ कि क्या होता है आपके फ़ोन के साथ, ठीक है। तो वो भी आप लोग ज़रूर चेक कर लेना एक बार, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अपना फ़ोन में स्किन यूज़ करने वाले हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस देखनी हो। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।